आप लोग आगे पीछे हो तो ये तो है पर चलिए चलिए आगे पीछे हो जाओ कोई दिक्कत नहीं बड़े पीछे बड़े रहो आपका हो गया नहीं चलो आज
के द्वारा सभी आप लोगों ने बहुत गर्व महसूस किया है। एक स्वागत और अभिनंदन बड़ी अच्छा मैंने होना चाहिए और विशेष रूप से अपने कार्यकर्ताओं को जिन कार्यकर्ताओं के जिसम के पसीने के आधार भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की राजनीति में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों का शीर्ष शुभारंभ हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा मैंने कहा कि आप लोगों ने ऐतिहासिक किए, क्या कभी कोई ऐसा काम कर सकता भारत की राजनीति में कोई गैर कांग्रेस वाली पार्टी स्पष्ट बहुमत के आधार पर केंद्र में सरकार है। 5 बजे करीब पहला अवसर है स्वतंत्र भारत की राजनीति में जब किसी राजनीतिक पार्टी में गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी में बहुमत के आधार पर पूर्ण बहुमत के आधार पर केंद्र में अपनी सरकार बनाई। आपने भारत के राजनीतिक इतिहास को पलट दिया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन। नेतृत्व की बात तो अपनी जगह पर होती है, नेतृत्व को कामयाबी तभी मिलती है जब कार्यकर्ता अपने जिस मकान पर सीना बनाता है। ऐतिहासिक स्वाभाविक है कि हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होगी यदि केंद्र में हमारी सरकार बनी है तो हमारी सरकार अच्छा काम करे। हमारी सरकार की शोहरत केवल हिंदुस्तान की सीमाओं तक ही सीमित न रहे बल्कि दुनिया के कोने कोने तक हमारे हिंदुस्तान की शोहरत पहुंचे। यह स्वाभाविक आपकी अपेक्षा। मैं अपने राजनीतिक विरोधियों के संबंध में ही कहना चाहता हूं, हो सकता है इन 100 वर्षों में जो भी हमने काम किए हैं उस पर आप विवाद खड़ा कर सकते हैं कि यह काम ठीक हुआ है या काम ठीक नहीं हुआ है, उस पर तो आप बहस कर सकते हैं लेकिन एक मुद्दे पर आप बहस नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में तेजी के साथ बढ़ी है, इसका कोई विवाद नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने भारत की प्रतिष्ठा को 4 साल बताया और आज हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा की चर्चा, इसी साल की चर्चा दुनिया के कोने कोने में। भारत के प्रति लोगों का भरोसा और मैं कह सकता हूं जितनी भी अगर काम की वह अपने पे भी जोर है। पहले क्या होता था, सरकारें केवल चुनाव जीतने के लिए जब चुनाव का समय आता था जनता को कुछ बख्शीश दे दिया करती थी, कुछ पैसे दे दिया करती थी ताकि हम उनका समर्थन हासिल कर सके, हम उनका वोट हासिल कर सके। लेकिन हम लोगों ने फैसला किया है भारत का हर नागरिक है, सम्मानित नागरिक है, उसे बख्शीश देकर उसका समर्थन नहीं हासिल किया जाना चाहिए बल्कि उसे सम्मान की जिंदगी जीने का हक देकर उसका समर्थन हासिल किया जाना चाहिए। यह इसे कोई चिरागिक नहीं कर रहे, केवल सरकार बनाने की आबादी नहीं कर रहे हैं बल्कि आबादी यदि कर रहे हैं तो देश बनाने की राजनीति कर रहे हैं। भारत के राजनीति की अभी घटना रही राजनीति के भारत में की जाती रही है तो केवल सरकार बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर राजनीति की जाती रही, लेकिन स्वस्थ राजनीति का तकाजा है कि राजनीति यदि की जानी चाहिए तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए और हमारी सरकार कर रही। आज के कुछ वर्षों पहले हम लोग कहा करते थे
हिंदुस्तान के हर परिवार का बैंकों के खाता होना चाहिए। दो कहते हैं ये कैसे संभव है, कभी संभव नहीं हो सकता। नौ महीने करके संभव नहीं क्या? ये हिंदुस्तान में 99 करोड़ 9% से अधिक परिवारों के खाते बैंकों में खुल गए हैं। ये ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस सरकार के द्वारा मिलने वाली जो भी सबसे सुविधाएं बिचौलियों के माध्यम से लोगों के पास आधी अधूरी न पहुंचे, ताकि बैंक के खाते से निकलने के बाद सुदूर गांव में बैठे समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे विद्यार्थी के खाते में पूरी पूरी सहायता पहुंच जाए, यह हमारी सोच। व्यवस्था में परिवर्तन लाकर ही काम किया जा सकता है। भ्रष्टाचार पर केवल भाषण देकर भ्रष्टाचार को नहीं किया जा सकता। व्यवस्था पर परिवर्तन करने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया और मैं कह सकता हूं उसके परिणाम लोगों को देखने को मिले। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता महीने में 1 रुपया जमा कर 1 रुपया महीने में जमा कर और आपका 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा पक्का हो जाएगा? आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति ने 1 रुपया जमा कर दिया, कोई बुजुर्ग है का कोई है होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए की बीमा कंपनी के द्वारा सहायता उपलब्ध हो जाएगी। क्या जी गरीब के घर जो बराबर जिस्म का पसीना आता जाता है वैसा पानी, क्या यह धनराश मिल जाने से उस परिवार को राहत मिली है? क्या वह परिवार पुनः अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो गया जो पैसे और पैसे के लिए तरसता है? 303 रुपया साल जमा करके 40 से 60 की उम्र के लिए 2 लाख रुपए का आपका बीमा अपने आप रखा हो जाए? हिंदुस्तान के नौजवानों के हाथों को हम रोजगार देना चाहते। हमारे देश का नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के बाद योग्यता क्षमता प्रतिभा हासिल करने के बाद आजकल लोगों के सामने अपने मजबूत हाथों के रोजगार की तलाश के लिए हाथ फैला रहा। हम लोगों ने फैसला किया विजेंद्र भैया के रिवर्स करवा लेंगे। हम ऐसे सारे नौजवान जिनके पास हुनर है सब को नौकरी तो नहीं दे सकते हैं, जैसे वह नौजवान यदि कोई रोजगार करना चाहता है तो उस नौजवान से हम कहेंगे उत्तराखंड तरफ से हम लोगों ने खोल दिया है 1,25,000 करोड़ रुपया उसमें हम लोग मिला 1,25,000 जिसने कक्षा 4, 3, 2 प्रति पढ़ाई की है नहीं पढ़ाई की, उसके अंदर भी हुनर विकसित करने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उसके अंदर भी हुनर विकसित ठेका लगाने वाला किसी से पैसा लेकर 2,000 रुपया लेकर वो फल फूल खरीद कर ठेका लगाता है, कुछ पैसे लेकर रिक्शा खरीदता और शाम को महाजन को जाकर उसे 200 रुपया 400 500 रुपया उसका प्यार प्रति देना होगा। अब ऐसा नहीं होगा, वह ठेला लगाने वाला रिक्शा चलाने वाला भी यदि ठेला और रिक्शा लेना चाहता है वह सीधे मुद्रा बैंक से पूरा पैसा ले सकता है और महीने में उसे केवल 1 बार अपनी किस्त जमा करनी पड़ेगी और रिक्शे का वो पूरी तरह से मालिक बन जाएगा। एक ऐसी क्या हिंदुस्तान के कार्यक्रम को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे? यह व्यवस्था नहीं चाहिए वो नहीं डलेंगे इसके पहले की सरकारों ने यह सरकार क्यों नहीं की? तो केवल सरकार बनाने की आई देश बनाने की आई बहुत सारी सरकारें आई हो गई। क्या अपने बिहार के हिंदू सरकार को आप भूल सकते नहीं? किसी प्रधानमंत्री ने यह सोचा था कि जब तक हिंदुस्तान के गांवों का विकास नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता है? हिंदुस्तान के सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का सिलसिला प्रारंभ किया था।
भाई आठ लोग हिंदुस्तान में बाहर से दुनिया के दूसरे देशों से भी जो लोग आते हैं देखते हैं कहते हैं भारत कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है और इतना ही इन चौकी चौकी शहरों को देखकर बड़े बड़े उद्योगों को देखकर लोग कहते थे कभी आ होगा गर्मी कभी आ होगा जापान एक आर्थिक महाशक्ति कभी आ होगा ब्रिटेन और फ्रांस आर्थिक महाशक्ति लेकिन और आ होगा कभी रूस और अमेरिका आर्थिक महाशक्ति लेकिन आज यदि आर्थिक महाशक्ति के रूप में गिना जाना चाहिए किसी को तो अमेरिका चीन और भारत को गिना जाना चाहिए आसानी दुनिया के अंदर यह भरोसा जैसे साथ इसे भारत को दिया था कई योजनाएं हैं तो एक योजना का नाम है वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी भी वही से चला रहा है शाम को एक चार बड़ा है आप सब सीना ठोकर कैसे हमारी सरकार ठीक काम कर रही है बहस करने के लिए हो गया किसी भी मंच पर बहस करने के लिए भारतीय जमा होगा उससे कुछ देना पहले और अपने अंदर जाए उस सेना को पहले भी मिलेगा वो ही मत चलाओ भारत की तरफ से कोई नहीं कभी चली जाए लेकिन चल जाती है तो उसके बाद काउंट नहीं किया जाना चाहिए हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे से जाते हैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते पड़ोसी से बनाकर अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी है पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए इसीलिए मोदी जी ने सफर करना समारोह आज तक कभी नहीं हुआ सारे पड़ोसी देशों के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष थे उनको आमंत्रित किया था हमें मान पड़ा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने के लिए यदि हाँ पढ़ाया था तो केवल हाथ मिलाने के लिए नहीं पढ़ाया था बल्कि दिल से दिल मिलाने के लिए हम लोगों ने हाथ कुछ लोग ऐसे नहीं क्या गलत रास्ता आज ही मैं दावे के साथ कहना चाहता हम अपने किसी पड़ोसी के साथ संघर्ष नहीं चाहते हैं सबके साथ ही रिश्ते चाहते और यही हम लोगों की कोशिश सुरक्षा के मोर्चे पर माओवादियों का जहां सवाल है आपको पता लगा नहीं एक साल सवाल पहले जारी से भी किया गया है कितनी कमी आई गाड़ियों की तस्करी गाड़ियों की तस्करी भाई भा प्रति वर्ष बराबर बांग्लादेश को किसी नजर नहीं जाने की आठ महीने पहले मैं बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर गया और वहां अपने अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ जो भी जवान मौजूद थे सारे नौजवानों को कहा मेरे जवानों मैं जानता हूं कि आपके अंदर कितनी कुवत है मैं जानता हूं कि आपके अंदर कितना जज्बा है भारत के अंदर से आने की चीज को रुपये बांग्लादेश नहीं जानी चाहिए और आपको जानकर आश्चर्य होगा आठ महीने के अंदर हमारे और अच्छे कोटियों के जवानों ने और कुछ स्थानीय पुलिस के जवानों ने जो पहले 22 लाख लोग आए जाते थे उसे उनकी संख्या का घटकर बाबू उसके 2.5 लाख कर दी बाबू उसके 2.5 लाख आठ महीने की रोके थे कोई दस जिन राज्यों से जाती है उन राज्यों को राज्य सरकारों से भी हमने अपील की है आपका हमें सहयोग चाहिए और राज्य सरकार भी सहयोग करने के लिए आगे कदम बढ़ा रही है पहले तुम्हें भरोसा ही नहीं था ऐसा हो जाएगा हम की तस्करी रुक जाए पर मेरा तो बिल्कुल कलेजा उस समय ठंडा हो गया जब बांग्लादेश के हाई कमिश्नर आए थे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भी यानी गो मांस की कीमत 40 फीसदी बढ़ गई हम कहा 40 फीसदी गो मांस की कीमत बढ़ गई मेरे कहा जैसे गाय के बराबर दो बढ़
वो जाना शहर स्टील का शहर है, हर क्षेत्र में हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैंने कहा था भाई आप सभी से यही अपील करना चाहता हूं, लंबा भाषण नहीं करूंगा, यही अपील करना चाहता हूं, आत्मविश्वास के साथ आपको बढ़ा दे रहा है। बिहार का चुनाव होने जा रहा, 8 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा, भरोसा रखना सरकार यदि बढ़ेगी तो हम पर बीजेपी और बिहार जीतने के बाद उसके बाद फिर नहीं आया, लेकिन यहां भी जिला पता यदि होगा तो केवल 8 लोगों के कारण ही मेरे चार पता रहने वाली जिला पता होगा, पूरी ताकत के साथ पूरी जज्बत के साथ आप सबको अपने कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं।